नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिल्ली दरबार सज चुका है, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। और दिल्ली दरबार इसीलिए सजा है क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और उसी पर हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी है। ये स्पेशल कवरेज हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको जानकारी दे दें कि आज लखनऊ के कान्हा उपवन की गौशाला में जाने वाले हैं वो। खास बात यह है कि सीएम कान्हा उपवन मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बुलावे पर जा रहे हैं। योगी के सीएम बनने के बाद अपर्णा यादव ने अपने पति प्रतीक यादव के साथ उनसे मुलाकात भी की थी और कान्हा उपवन आने का न्योता दिया था। कान्हा उपवन गौशाला में लावारिस गाय भैंसों के साथ दूसरे जानवरों की देखभाल की जाती है और ये गौशाला अपर्णा यादव का एक एनजीओ है वो चलाता है। और इसी पर अपर्णा यादव ने आने का न्योता योगी आदित्यनाथ को दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए कान्हा उपवन आज जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, उसके बाद 25 मार्च को पहली बार गोरखपुर पहुंचे, तब भी गोरखनाथ मंदिर के गौशाला में गौसेवा उन्होंने की। उन्होंने गायों को बिस्किट खिलाया और कुछ वक्त उनके साथ बिताया। उसी की कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कान्हा उपवन आज पहुंचेंगे, हालांकि अलग अलग एक्शंस योगी आदित्यनाथ के देखने को मिल रहे हैं। थाने का जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, फिर केजीएमयू पहुंचे थे सीएम योगी अस्पताल में, गोमती रिवर फ्रंट पर उन्होंने बैठक की, एक एक पाई पाई का हिसाब उन्होंने मांगा उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर। और आज कान्हा उपवन में किस तरह से गाय भैंस बाकी जानवरों की देखभाल की जाती है उसका निरीक्षण करने के लिए जाएंगे सीएम आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कान्हा उपवन में आ रहे हैं, यहाँ पर गौशाला है, निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जगहों पर जाएंगे जो कि गाय के अस्पताल से लेकर मंदिर तक है, और शुरुआत इसी मंदिर से करेंगे जो कि कृष्ण और राधा जी की मूर्ति यहाँ पर लगी है, और यहीं मंदिर से वो शुरुआत करेंगे निरीक्षण करने की। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो गौशाला है, नंदीशाला है, और इसके साथ जो अस्पताल है, इन तीनों जगहों का निरीक्षण करेंगे योगी आदित्यनाथ और यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। बताया ये जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा की संख्या में गाय इस कान्हा उपवन में है, जो गौशाला लखनऊ में है, नगर निगम के अंडर में ये आता है और एक बाहर की संस्था इसे हैंडल करती है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से शुरुआत गौ प्रेम से की थी योगी आदित्यनाथ ने, आज उसी तरह से कान्हा उपवन में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर गायों की स्थिति का जायजा लेंगे। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो इस खबर में अपडेट ये है कि अपर्णा यादव, जिनके न्योते पर निमंत्रण के बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं गौशाला अपने पति प्रतीक यादव के साथ, और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, उसकी सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक दिल्ली दरबार का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में सूरज और सियासत दोनों गर्म है, जनता को दिल्ली की गर्मी सता रही है तो नेताओं को सियासत की गर्मी। दिल्ली में एक बार फिर से 5 साल का हिसाब मांगने की बारी आ चुकी है। जनता ना तो उन नेताओं को माफ करेगी जो घर देने का वादा देकर वोट मांगते हैं, ना ही उन नेताओं को जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो घर के बदले टिकट बांटते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट से आप समझिए। चुनावों के पहले जो अरविंद केजरीवाल वायदा करते थे कि वो घर नहीं लेंगे, क्या उनके घर के साथ तो टिकट पॉलिटिक्स जुड़ी है? बदलाव के अंदर एक हिस्सा बनूं, तब मैंने अरविंद जी को अपना घर एज ए टोकन 1 रुपए पर मंथ भी उनको दिया था। ये है हरजीत सिंह, जिन्हें राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से टिकट मिला है। और हरजीत सिंह का अरविंद केजरीवाल से क्या ताल्लुक है और कैसे ये नाता एक घर से जुड़ा, ये समझिए। हरजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में पार्टी को हनुमान रोड स्थित अपना मकान दिया था। इसी पते का इस्तेमाल कर केजरीवाल ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली निवासी के तौर पर नामांकन में यही पता भरा था। अरविंद केजरीवाल को हरजीत सिंह ने यह घर दिया था इस्तेमाल करने के लिए, उन दिनों में जब राजनीति में आने के लिए अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे थे, पूरी कवायद कर रहे थे, उसी समय ये घर उन्हें दिया गया था। और अरविंद केजरीवाल ने इन चुनावों में ये एहसान उतारने के लिए
एक तरीका निकाला और ये कहा जा सकता है कि घर के बदले टिकट का फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल ने अपनाया और हरजीत सिंह को टिकट दिया बाय पोल के लिए। हालांकि हरजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने पार्टी की मदद के लिए अरविंद केजरीवाल को घर दिया था। आम आदमी पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है जो जमीन से उठ के आए हैं, कोई करोड़पति रिलायंस और अंबानी इस टाइप के लोग नहीं थे हमारे पास। तो अरविंद जी ने एक अपील की थी कि हमें पैसा चाहिए, हमें ये। उस समय मुझे लगा कि मेरा मॉरल दायित्व तो बनता है, अगर भगवान ने मुझे कुछ बनाया है तो मैं देश को दूँ, बदलाव के अंदर एक हिस्सा बनूँ। तब मैंने अरविंद जी को अपना घर एज ए टोकन 1 रुपये पर मंथ भी उनको दिया था। लेकिन राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली की जनता को अपना दोहरा चेहरा दिखाया है। केजरीवाल जी सबसे झूठे आदमी हैं, झूठ पे झूठ, और जितने वायदे उन्होंने किए उस पर वो कभी पूरे नहीं उतरे। अब ये नया एक समीकरण है कि जिन लोगों ने उनको फेवर करा अब उनको फेवर रिटर्न कर रहे हैं, वो ये भी एक धोखा है। घर के बदले टिकट की लिस्ट में केजरीवाल ने दूसरा नाम रखा है नरेन जैन का, जिन्हें केजरीवाल ने MCD चुनाव में टिकट दिया है। जब केजरीवाल पहली बार CM बने तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनके सामने ऐसी जगह ढूंढने की चुनौती सामने आई जहां पर वो ना सिर्फ रह सकें बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार मिल भी सकें और बैठ के बात कर सकें। उस वक्त नरेन जैन ने अपना बंगला उन्हें देना चाहा था, लेकिन उनके भाई ने उसे विवादित संपत्ति बताकर कोर्ट में जाने की धमकी दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने वहां जाने का फैसला बदल दिया था। पैसे के लेन देन की बात हो या स्टिंग ऑपरेशंस की बात हो, लगातार वो शक के दायरे में है। और ये भी जो है एक किस्म का लेन देन है कि तुमने मेरी ये मदद करी और इसलिए मैं तुम्हें टिकट दूंगा। और सामने अब जब स्पष्ट रूप से आ रहा है तो मुझे लगता है अब तो ये सीरीज बन गई है पूरी की पूरी कि लेन देन के बाद जो है वो आम आदमी पार्टी की टिकट मिलती है। तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल खास लोगों को टिकट बांट रहे हैं, खासकर उन्हें जो पैसा और घर का इंतजाम कर सके? रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media, दिल्ली।